खाने के तेल के बाद अब सरकार की कोशिश है कि दालों पर महंगाई का साया ना पड़े। त्योहारी सीजन में दालें किचन का बजट ना बिगाड़े, इसलिए सरकार ने अगले 2 महीने और विदेशी दालों के आयात को मंजूरी दे दी है। व्यापारी तुअर, उड़द और अरहर का आयात कर सकेंगे। दालों के आयात के लिए 2 महीने का और वक्त मिलेगा। त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार ने दालों के आयात को मंजूरी दी है। अब व्यापारी 31 दिसंबर तक दालें आयात कर पाएंगे। बता दें कि पहले दाल आयात की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर थी, जो अब बढ़कर 31 दिसंबर हो गई है। आपको बता दें कि सरकार ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष में म्यांमार से 2.5 लाख टन उड़द और 1 लाख टन तुअर दाल के आयात का फैसला किया था। दालों का इम्पोर्ट सिर्फ 5 बंदरगाह जिसमें मुंबई, तूतीकोरिन, चेन्नई, कोलकाता और हजीरा हैं, इन्हीं के जरिए किया जाएगा। वहीं भारत पहली बार रूस से मसूर दाल का आयात भी करेगा। ये आयात 6 महीने तक किया जाएगा। भारत सरकार ये आयात कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर मसूर के लिए निर्भरता को कम करने के लिए करेगी। और इससे पहले भारत सरकार ने दालों की कीमतों को काबू में करने के लिए दालों पर स्टॉक सीमा तय की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।